staff and students of Great Mission Public School Ramnagar is trying to motivate the citizens to cast their votes. आने वाली 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, वोट दें। ये वोट क्या होता है? आपका वोट आपके सपनों को। तू सोई नहीं अभी तक? तब से मैं कह रही हूँ सो जा, क्या टीवी लगा रखा तूने इतनी देर से? मुझे बताओ ना ये वोट क्या होता है? वोट एक ऐसा अधिकार होता है जिसे हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है, मैं भी दूंगी वोट। उसके लिए तुझे पहले 18 साल का होना होगा। अभी भी समझ में नहीं आया ये वोट होता क्या है। ज्यादा सोच मत, सो जा पहले। सो भैया, भैया ये वोट क्या होता है? क्या? ये वोट क्या होता है? वोट? अब वोट वोट होता है, वोट हमारा होता है। हाँ आंटी एक बात पूछो, हम वोट क्यों देते हैं? बेटा तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? बताओ ना आंटी की। बेटा सरकार हम बनाते हैं। सरकार हम बनाते हैं? हाँ सरकार हम बनाते हैं, और हर नागरिक को अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार है। अब समझी? हाँ। पकड़ी। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। मैं तो इसी पार्टी को वोट दूंगी। क्या? जिस पार्टी को मैं वोट दूंगा उसी को सबको देना पड़ेगा। पर आप मेरे... बस बस, अब और कोई बहस नहीं होनी चाहिए इस बात पर। वाह पापा, वोट ही तो एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसे हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं, और वो अधिकार भी आप हमसे छीन रहे हैं। हम सरकार बनाते हैं, और सरकार को बनाने के लिए वोट देने का अधिकार हर एक नागरिक के पास ही होना चाहिए। बेटा मत बोलो। माँ उसे रोको मत, वो सही कह रही है। समाज में हर किसी व्यक्ति का सम्मान करना हमारा दायित्व है, और उसी तरह हर किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वो वोट दे। सही कहा बेटा, ये सब मेरी ही गलती है। माँ आप कुछ नहीं बोलोगी? मैं वोट देने जरूर जाऊंगी, और आने वाली 14 तारीख को आप भी जरूर वोट देने जाएं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आओ मिलकर वोट दे उन्हें इस बार, जो मिलकर करेंगे आपके सपने साकार। क्योंकि वोट देना है हमारा अधिकार, जाने ना दे अपने वोट को बेकार। चलो आज एक प्रण लेते हैं, साथ मिलकर सही प्रत्याशी को वोट देते हैं। अगर चाहते हो अपने देश का विकास तो सीधे जाओ बूथ के पास। बी ब्राइट एंड वोट फॉर द राइट।